गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग अभी चैप्टर 9 पढ़ रहे हैं जो कि क्या है, वेलकम टू द इंटरनेट। तो हम लोग इस चैप्टर में इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने ये पढ़ चुके थे, ठीक है, कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अर्पानेट के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुका था कि अर्पानेट क्या था और अर्पानेट मतलब, ठीक है, अर्पानेट जो था वो अमेरिका की डिफेंस एजेंसी ने बनाया था। वो नेटवर्क ही था बट क्या था, वो छोटा सा इंटरनेट था, उसमें छोटे एरिया के लिए था, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, हम लोग इंटरनेट पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, ये भी हम लोगों ने देख लिया था कि हम लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन वहाँ पे देख सकते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या होता है हमने ये जान गया था, ठीक है। हम लोग उस पर और क्या कर सकते हैं, ईमेल सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन के लिए सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमें कुछ भी वहाँ पे सर्च करना हो तो हम जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स यानी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, तो ये सब क्या है वो जान गए थे, ठीक है। कम्युनिकेट कर सकते हैं VOIP के थ्रू। VOIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी हम लोग इंटरनेट के थ्रू कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अपने शेयर थॉट्स, मतलब अपने जो भी विचार हैं, अपने जो भी थॉट्स, उनको दूसरों से शेयर कर सकते हैं, दूसरे फ्रेंड्स, दूसरे लोग पढ़ सकते हैं उसको, ठीक है। हम लोग शॉपिंग कर सकते हैं, भी बहुत सारा ई कॉमर्स साइट आया, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ईबे, स्नैपडील, उन वहाँ पर जाके चीज़ों को खरीद सकते हैं। गेम्स प्ले कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन, ठीक है। म्यूजिक सुन सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं यूट्यूब पे। हॉलीडे की प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है, रेलवे का, बस का, ठीक है, होटल्स का, सबका बुकिंग कर सकते हैं घर बैठे ही। तो आज हम लोग बात करने वाले कुछ इंटरनेट टर्म्स के बारे में, ठीक है, कि वो वेब पेज क्या होता है। वेब पेज का नाम सुने होंगे कई बार, वेब पेज, वेबसाइट, URL, www, ठीक है, वेब सर्वर्स, नेट सर्फिंग, होम पेज, हाइपरलिंक्स। तो इन सारे जो भी टर्म्स हैं, ठीक है, इन टर्म्स का हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं वेब पेज के बारे में, ठीक है, कि वेब पेज क्या होता है। तो इंटरनेट में क्या होता है कि जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो पेज के रूप में होती है। आपके बुक में होता है, ठीक है, कि आपके जो भी बुक में चीज़ें लिखी होती है वो क्या होता है, पेज के थ्रू लिखा होता है। इस पेज पे, फिर नेक्स्ट पेज पे, फिर नेक्स्ट पेज, ताकि किस लिए, कि आपको अगर कुछ भी खोजना हो तो आप आराम से उसको खोज सकें। तो उसी तरह से क्या होता है, इंटरनेट पे जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन डाला जाता है, जैसे मान लीजिए आप किसी भी एक, जैसे महात्मा गांधी हो गया, विराट कोहली हो गया, ठीक है, या लायन हो गया, टाइगर हो गया, तो किसी भी एक चीज़ के बारे में लिखना है तो आप विराट कोहली के ही पेज पे आप गांधी जी के बारे में, लायन के बारे में तो लिखेंगे नहीं, उसके अलग अलग पेज बनाएंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेब पेज, ठीक है। तो विराट कोहली का अलग पेज होगा, ठीक है, उसमें सिर्फ उनके, विराट कोहली के बारे में होगा क्या क्या है, ठीक है। एक अलग पेज होगा महात्मा गांधी के बारे में, कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, क्या था, उन क्या क्या किए थे, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो उसी तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन है नेट पे, वो अलग अलग पेज के फॉर्म में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब पेज। अभी हम लोग जानते हैं वेबसाइट क्या होता है, ठीक है। तो बहुत सारे जब पेज मिला देते हैं, बहुत सारे वेब पेज को मिला देते हैं, जैसे आपका बुक, ठीक है, आपका बुक हो गया क्या, वेबसाइट, और आपके पेजेस क्या हो गए, वेब पेज, ठीक है। तो बहुत सारे पेजेस को जब मिला देंगे, उसका कलेक्ट कर देंगे, तो क्या बन जाता है, वेबसाइट बन जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वेबसाइट में बहुत सारे पेज हो, एक पेज भी हो सकता है, लेकिन 10 पेज, 20 पेज, 100 पेज, 1000 पेज भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर 1000 पेजेस को एक साथ लिखना है, हमको वेब पेज बनाना है, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, वेबसाइट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे आप बुक में पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 आराम से जा सकते हैं जैसे चाहें, उसी तरह से वेबसाइट पे भी होता है, सारे पेज का लिंक होता है, ठीक है, आप किसी भी पेज पे आराम से जा सकते हैं। तो जैसे अभी हम लोग बात करें आपके स्कूल की, ठीक है, एरिस्टो एकेडमी की, तो एरिस्टो एकेडमी का एक वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट मतलब आप वहाँ पे जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। और उसमें वेबसाइट है तो यानी क्या होगा, बहुत सारे पेज हैं, ठीक है। अब कुछ वेब पेज जिनका हम लोग बात करते हैं, जैसे आपका वेब पेज है कि आपका एक फ्रंट पेज आएगा, ठीक है, जिसमें कि एरिस्टो एकेडमी के बारे में लिखा हुआ है, वहाँ पे फोटो एक, ठीक है, एक फोटो का अलग पेज होगा, ठीक है, कि आप यहाँ जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी एनुअल फंक्शन होता है, ठीक है, उसका फोटो होगा। एक अलग पेज होगा हेल्प का, कि आपको अगर कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है, कुछ हेल्प चाहिए, आपको एडमिशन लेना है, कॉल करना है, तो उन सब का पेज होगा। तो क्या होगा, बहुत सारे उसमें वेब पेज होंगे इस तरह से। आगे हम लोग बात करते हैं URL की, ठीक है। तो URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। जैसे क्या होता है कि आपके घर का एक एड्रेस होता है, ठीक है, आप लोग जितने भी बच्चे देख रहे होंगे, सबके घर का कोई ना कोई एक एड्रेस होगा, ठीक है, पापा का नाम होगा, ठीक है, उस बाद एक आपका मान लीजिए
जो भी आप रोड पर रहते हो, मतलब सड़क का है, फिर कहीं आसपास का इलाका होगा, ठीक है, इसके अलावा आपके गांव का नाम होगा, पोस्ट का नाम होगा, मतलब एक आपका एड्रेस होगा अपना, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है कि नेट पे भी जितनी भी चीज़ें हैं, इंटरनेट पे, नेट भी बोलते हैं इसको, तो इंटरनेट पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, उन सबका कोई ना कोई एक एड्रेस होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके थ्रू हम लोग इंटरनेट पे किसी भी चीज़ को, किसी भी पेज को, किसी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका CBSE का अगर बात करें, आप CBSE बोर्ड के स्कूल से अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, क्या है, www.cbse.nic.in, ठीक है, पूरा इस तरह से होता है, HTTP और SB आजकल आ गया है, ठीक है, ये सिक्योर के लिए है, ठीक है। तो ये क्या है पूरा इसका URL है, ठीक है, ये URL है किसका, CBSE की साइट का, ठीक है, https://www.cbse.nic.in, तो इन से यहाँ पे इंडिया का है, ठीक है, और CBSE क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक। उसी तरह से आपको बहुत सारा गूगल का मिल जाएगा, अमेजन का मिल जाएगा, तो आप अगर चाहें तो आप जब इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च करते हो तो ऊपर में देख सकते हैं, आपको लिखा वर्ता होगा www.amazon करके, इस तरह से, ठीक है, तो वही क्या होता है, URL होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके बुक में डिज्नी का दिया हुआ है, नासा का दिया हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड लाइफ का दिया हुआ है, नेशनल ज्योग्राफिक का दिया हुआ है, ये सब चीज़ें आप जाके आराम से इसको सर्च भी कर सकते हैं, URL को आप वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं www, ठीक है, www3, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। तो अब ये क्या है, ठीक है, तो मेनली जो सारे वेबसाइट्स हैं, सारे वेब पेजेस हैं, उन सबका जो कलेक्शन है उसको ही क्या बोलते हैं, www, वर्ल्ड वाइड वेब। मतलब क्या है कि इंटरनेट पे जितनी भी सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, उन सबको अगर हम एक साथ बोले तो क्या बोलेंगे, वर्ल्ड वाइड वेब पे, ठीक है, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप आराम से इंटरनेट के थ्रू जा सकते हैं, वहाँ पे कुछ भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं वेब सर्वर्स की, ठीक है, तो अभी इंटरनेट पे जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे आपका मान लीजिए आपने कुछ फोटो अपलोड किया है, फेसबुक पे आपने फोटो डाला है, ठीक है, आप कोई चीज़ फोटो सर्च कर रहे हैं, मानना महात्मा गांधी का, विराट कोहली का, सचिन तेंदुलकर का, आप किसी का भी, ठीक है, इमेज सर्च कर रहे हैं, आप कुछ चीज़ें सर्च कर रहे हैं, आप फॉर्म भर रहे हैं, आप एरिस्टो एकेडमी का साइट देख रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये इंटरनेट पे कैसे दिख रहा है आपको, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी कंप्यूटर में रखा गया है, ठीक है, किसी न किसी कंप्यूटर में इस चीज़ को रखा गया है, तभी आप इसको देख पा रहे हैं। तो जिस भी कंप्यूटर में ये रखे जाते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर, ठीक है, वेब सर्वर बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट पे जो भी चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर की जाती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेब सर्वर बोलते हैं, और ये हमेशा ऑन रहते हैं। अगर ये ऑफ हो जाएंगे, ठीक है, तो आप जो भी चीज़ें देख पा रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा, बंद हो जाएगा, आप उस चीज़ को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और एक सर्वर नहीं है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो दुनिया में करोड़ों सर्वर हैं, ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो कि सर्वर का काम कर रहे हैं। तो अगर एक बंद होता है तो उसके अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो चीज़ आपको नहीं दिखेगी, लेकिन बाकी चीज़ दिखेगी। आगे हम लोग बात करते हैं नेट सर्फिंग की, ठीक है, कि नेट सर्फिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, नेट सर्फिंग का मतलब होता है नेट पे जाके कुछ भी सर्च करना, ठीक है। जैसे आप नेट पे गए, सर्च किए, ठीक है, आपको मतलब मतलब आपने महात्मा गांधी जी के बारे में सर्च किया, ठीक है, अब वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आएंगी कि उन्होंने कौन कौन सा काम किया, उनके बहुत सारे मूवमेंट्स थे, ठीक है, चंपारण का मूवमेंट था, ठीक है, भारत छोड़ो का आंदोलन था, मतलब बहुत सारा चीज़ था उनका, ठीक है, चौरा चौरा कांड था। तो वहाँ पे आप जाके, ठीक है, उस पेज पे जा सकते हैं, फिर वहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, फिर वहाँ से आगे जा सकते हैं कि हाँ गांधी जी ने ये किया था, गांधी जी यहाँ पे गए थे, गांधी जी ये देखे थे। तो आप मतलब इंटरनेट पे बहुत सारे पेज पे जाके बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेट सर्फिंग बोलते हैं। मतलब क्या है, सिंपल सा, कि आप नेट पे जाइए और चीज़ों को सर्च कीजिए, एक पेज से दूसरे पेज पे जाते रहिए, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्फिंग, ठीक है। अगर हम बात करते हैं होम पेज की, ठीक है, तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे एरिस्टो एकेडमी की वेबसाइट की, ठीक है, वहाँ पे आप जब भी एरिस्टो एकेडमी का एड्रेस डालेंगे, URL डालेंगे, तो आपको सबसे पहले एक पेज दिखेगा, ठीक है, उस पेज को हम लोग क्या बोलेंगे, होम पेज, ठीक है। तो आप जब भी किसी साइट का एड्रेस डालते हैं, आप किसी वेबसाइट का URL डालते हैं, तो आपको जो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट रूप से जो पेज दिखाई देता है उसको हम लोग बोलते हैं होम पेज।
आप किसी भी पेज पर रहिए, आप अगर होम बटन पर क्लिक करते हैं तो आप होम पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। और होम पेज से ही आप किसी भी पेज पर जा सकते हैं। तो नॉर्मली जो होता है आप सबसे पहले क्या कौन सा पेज देखते हैं, होम पेज, ठीक है। होम पेज पे आपका वेलकम किया जाता है, आपको बताया जाता है ये जो वेबसाइट है उसमें क्या चीज़ें हैं, आप क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। अब लोग बात करते हैं हाइपर लिंक्स के बारे में, ठीक है, कि हाइपर लिंक्स क्या होता है, ठीक है। तो हाइपर लिंक्स का मतलब ऐसे लिंक हैं, ठीक है, जिसपे कि हम लोग क्लिक करें और हम लोग को कहीं और पहुँचा दें, ठीक है। जैसे आप गूगल पे जाते होंगे, आप सर्च करते होंगे कोई भी चीज़, ठीक है, नॉर्मली आप लोग सर्च करते होंगे, ठीक है, आप यूट्यूब पे भी सर्च करते होंगे, आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब सर्च करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारा रिजल्ट आता है, ठीक है। आप उस रिजल्ट को देखते होंगे किस कलर में आपको दिखता है, ब्लू कलर में दिखता है और उसके नीचे लाइन खींची होती है इस तरह से। जैसे मान लीजिए आपने सर्च किया, तो इस तरह से लिखा होगा, ब्लू कलर में होगा और नीचे अंडरलाइन होगा। तो इसको ये क्या सवाल, ये क्या होता है, हाइपरलिंक होता है। आप जब इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो जो भी लाइन और काम का आपका जो पेज होगा वो पेज खुल जाएगा, आप कहीं और चले जाएंगे। किसी इमेज पे आप क्लिक करेंगे तो आप वो इमेज क्या होगा, खुल जाएगा, वो जहां का इमेज होगा आप उस पेज पे चले जाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपरलिंक बोलते हैं, ठीक है। हाइपरलिंक मतलब ऐसा लिंक, ठीक है, जिस पे हम लोग क्लिक करें तो दूसरे पेज पे चले जाएं। हम लोग यहाँ पे नॉर्मली किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनेट की, ठीक है। तो हाइपरलिंक भी किससे जुड़ा रहेगा, इंटरनेट से ही जुड़ा रहेगा, ठीक है। आप इस चीज़ का कहीं और, आप बुक में ऐसा नहीं कर सकते, आप अगर बुक में चाहें तो आप, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट पे दबाएंगे वर्ड पे तो आप कहीं और जाएंगे, नहीं कुछ नहीं होगा, ये इंटरनेट पे होता है। तो हम लोग आज के लिए बस कहीं देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम लोग जानेंगे कि इंटरनेट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेट से हम लोग कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ब्राउज़र के बारे में कि वेब ब्राउज़र, ठीक है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, एड्रेस बार होता है, स्टॉप बटन होता है, सर्चिंग कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।